स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लिट योर ब्रेन में। आज का वीडियो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड, हाउ टू फास्टली योर हेड, किस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन को इजी अपने हेड में बिना किसी टेंशन के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप इसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और शुरुआत करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आपको जिस तरह से करना है, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल यहाँ पर यूज़ करेंगे इस मेथड के लिए। ये रेक्टेंगल हो गया हमारे पास में, और यहाँ पर हमारे 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से कॉलम बना लेने हैं, और ये हो गया आपका, इस तरह से हमारा हो गया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जिससे मल्टीप्लाई करना है उस डिजिट को हम रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा मल्टीप्लाई है 2, 8 and 3 से। 2, 8, 3 आपने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 एंड यहाँ पर हो जाएगा 4। ओके, अब इन दोनों के बीच हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो डोंट वरी, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपके जितने भी ये पॉइंट हैं रेक्टेंगल में वहाँ एक दूसरे को उनसे कनेक्ट कर देना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद स्टार्ट करेंगे हम अपना मल्टीप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही इजी वे में आसानी से सॉल्व हो जाएगा बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको करना है 3 का 8 से मल्टीप्लाई। तो 8 3 होता है 24, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। ध्यान रहे 8 का 3 में फर्स्ट डिजिट ऊपर है तो ऊपर, फिर 3 का आपको कर देना है 4 में मल्टीप्लाई। तो 8 3 4 जा 12 हो गया। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। देन इसी तरह से आपको 8 का करना है 8 में। 8 8 जा हो जाएगा 64, तो आपको इस तरह से लिखना है। फिर 8 4 जा हो जाएगा 32, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट होगा आपका 2 का 8 में करना है, तो 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। अब 2 4 जा 8 है, इस ये कॉलम बच रहा है, तो यहाँ पर हम 0 लेके चलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब चलिए अगला स्टेप देख लेते हैं। अगला स्टेप बहुत ही ईजी है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, जो हमारे पास आए हैं उन सबको लाइन से लिख देना है। ये आ जाएगा 2 इधर पर, ये हो गया 2। अब आप यहाँ पर देखिए जितने भी नंबर हैं यहाँ पर, इन सबको आप प्लस करते जाइए, ठीक है। तो 4 4 + 1 + 2, तो 4 2 6 and 7, ठीक है। उसके बाद फिर 4 और 2 6 6 और 3 9 9 और 8 हो गया आपका 17। उसको जस्ट यहाँ पर इसके नीचे ही आपको पुट करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, 6 और + कितना हो जाएगा 12, और 0 और 12 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आपको किस तरह से इसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधा आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए, ये जो आपका 2 है अपनी जगह पर ही रहने वाला है, ये हो जाएगा आपका 2, ये आपका 7 अपनी जगह पर रहने वाला है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो 7 है अकेला आएगा, और ये जो 1 है कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, 2 के पास हो जाएगा। तो 2 और 1 हो जाएगा आपका 3। अब नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पे 1 है, उस 1 को कहाँ पर कर देना है, 1 के साथ ऐड कर देना है। तो 1 और 1 हो जाएगा आपका 2। तो जो हमें आंसर मिला है वो मिला है 23772। ओके, आप इसे अपनी इजी मेथड में सॉल्व करके देख सकते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। तो ये है एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैथ पजल। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।